Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today we will discuss the question asked in 2021 in the examination IES from the subjects ethics and value in engineering profession. तो चलिए देखते हैं 2021 में questions क्या पूछे गए थे. 2020 के comparatively 2021 के questions थोड़े से moderate थे. आइए हम देखते हैं पहला question क्या था. Which philosopher suggested wisdom, courage, temperance and justice as a four cardinal virtues? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था. मतलब आपको जितने भी यहाँ पे फिलोसोफर हैं उनके क्या स्टेटमेंट रहे हैं, वो किस फील्ड से रिलेटेड बात किए हैं, क्या फिलोसफी उन्होंने दी है. ये क्वेश्चंस यूपीएससी लगातार 3 से 4 सालों में हर साल इससे क्वेश्चन बन रहे हैं. तो ऐसे टॉपिक बहुत अभी अपडेटेड हैं, आपको अपडेट रहना है बेसिकली. तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज़ फोर, प्लेटो. तो यहाँ पर बाकी जितने भी आपके भी आपके फिलोसोफर रहे हैं उनकी जो किस स्पेसिफिक फील्ड में उन्होंने क्या लाइंस बोली हैं, क्या रिसर्च किया है, ये चीज़ें आपको एथिक्स में अपडेट रहनी होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग का है, बट मैच द फॉलोइंग में एलिमिनेशन से ही हमेशा ट्राई कीजिएगा. तो यहाँ पर फोर टाइप की थ्योरीज दी हुई हैं और उससे रिलेटेड हुए आपके फिलोसोफर दिए गए हैं कि कौन सी थ्योरी किस फिलोसोफर ने बोली थी. एक यूटिलिटेरियन थ्योरी, रूल यूटिलिटेरियन थ्योरी, ड्यूटी एथिक्स थ्योरी एंड द राइट थ्योरी. तो ड्यूटी एथिक्स और राइट एथिक्स मैंने प्रॉपर लेक्चर नंबर 2 अगर आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे तो वहां पर मैंने बताया था कि जो राइट थ्योरी है वो बेसिकली आपकी जॉन लॉक एंड ये जो जे एस मिल थे, इन्होंने जो बेसिकली दी थी एक्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी दी थी. तो यहां पर आप सी और डी अगर आपको पता होगा तो उसी से आप ऑप्शन सॉल्व कर लेंगे. तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जो आपका बी ऑप्शन है यानी डी का फर्स्ट यानी जॉन लॉक, तो जो राइट थ्योरी थी वो आपकी जॉन ने दे रखी थी जो साइंस फिलोसोफर थे. सी जो है ड्यूटी एथिक्स आपकी कैंट ने बताई थी. तो यहाँ पर हो जाएगा इमैनुअल कैंट. एंड द बी इज थर्ड यानी जो रूल यूटिलिटेरियन थ्योरी थी, दैट इज़ रिचर्ड, आपने रिचर्ड ने दी थी. एक्ट यूटिलिटेरियन की मैंने जे एस मिल के बारे में बताया था. तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो यूटिलिटेरियन से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार इसके फिलोसोफर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था. तो ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जिससे आपकी ईजी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रुप थिंक अ नोटवर्दी फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग विद इन विच इंजीनियर वर्क्स एंड डिलिबरेट इन अ ग्रुप हैज़ बीन सजेस्टेड बाय. तो ये बहुत ही फेमस जो आपकी थ्योरी है ग्रुप थिंक की थ्योरी, वो आपकी इरविन जेनिस ने दी हुई थी. ये मैंने अपने नोट्स में नहीं कंप्लीट किया हुआ था, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन था. अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इसमें आप गेस या हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाइएगा. इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं पता था तो आप स्किप कर सकते हैं. बट यहां पर इरविन जेनिस थे जिन्होंने ग्रुप थिंक, बहुत ही फेमस ये थ्योरी दे रखी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट इन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस है. लेट्स फाइंड आउट द क्या ऑप्शंस हैं. इट इन्वॉल्व्स द डिस्कवरी एंड कम्युनिकेशन ऑफ द ट्रूथ. इट लीड्स टू कंसर्न फॉर द होल सिचुएशन इन डिसीजन मेकिंग, इंक्लूडिंग एन अवेयरनेस ऑफ द प्रोफेशनल्स own attitude, standard and value system. It is simply truthfulness or avoidance of lying. It ensures that the professional does not accept moral distance. तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो सी जो है वो आपका थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन है. इट इज़ सिंपली ट्रूथफुलनेस. अगर हम सिंपली ट्रूथफुलनेस की बात करते हैं तो वो तो आपकी ऑनेस्टी हो जाती है. और अवॉइडेंस ऑफ लाइंग यानी झूठ को अवॉइड कर देना इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी. मैंने इंटीग्रिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट जाकर इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनिएगा. यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी द राइट, यानी इट इज़ सिंपली ट्रूथफुलनेस और अवॉइडेंस ऑफ लाइंग इज द इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट इंटीग्रिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विसल ब्लोइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इफेक्ट्स. अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करते हैं तो वहाँ विसल ब्लोइंग आता है बेसिकली. तो इसके बारे में भी मैंने प्लेलिस्ट में प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. पीयर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट, फैमिली रिलेशन. तो अगर विसल ब्लोइंग की बात करते हैं तो विसल ब्लोइंग का बेसिकली मतलब होता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अनएथिकल काम हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना. तो ये आप किस तरीके से एनोनिमस होकर भी दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इसको हम बेसिकली विसल ब्लोइंग कहते हैं. तो इसमें फैमिली रिलेशन से कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि हम जब भी विसल ब्लोइंग की बात करते हैं तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. इसके मैंने सब पार्ट को भी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा दैट इज़ 1 एंड 2 ओनली.
प्लीज़ डियर स्टूडेंट, अगर आपको विसल ब्लोइंग का मतलब नहीं पता है या आपको इसमें कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछने की बजाय जितनी मेहनत आप कमेंट करने में लगाएंगे उससे ज़्यादा अच्छी मेहनत आप कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट में जाकर विसल ब्लोइंग टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन जरूर सुन लें। लेक्चर नंबर 8 मैंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। एथिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर नंबर 8 खोलिए, वहाँ से वो 10 मिनट्स का वीडियो सुनिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर तब भी नहीं होता है then I will explain in comment section, but please try this, go to the lecture number 8, listen the explanation and then come and solve this question. Next question is, Carol Gilligan is associated with the natural justice, the responsibility, the principle of loyalty, the ethics of care. तो कैरल जो बेसिकली एसोसिएट हैं वो फिलोसोफर द एथिक्स ऑफ केयर से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे ये एथिक्स के, बट हाँ इसके लिए आपको जो बेसिक आपकी जो जितने भी फिलोसोफर हैं उनकी जो थ्योरी है वो चीज़ें आपको इस साल बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इस बार का जो पेपर था बहुत बायस्ड पेपर था कि एक ही तरीके के क्वेश्चन बहुत रिपीट किए गए हैं। जैसे अगर हम मटेरियल साइंस की बात करते हैं तो उसमें ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन 5-6 थे। अगर हम एथिक्स की बात करते हैं तो फिलोसोफर किस फिलोसोफर ने क्या कहा, किस फिलोसोफर की क्या थ्योरी थी, इस चीज पर बहुत फोकस करके एम्फेसाइज करके ये पेपर इस बार का बनाया गया था। नेक्स्ट आता है हुच एंड बुट लैगिंग रेफर्स टू, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी या एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। द प्रोविजन लॉ ऑन एन एथिकल प्रैक्टिस रिलेटेड टू लीकर, द लॉ अगेंस्ट गिविंग मनी टू बैगर्स एज एक्ट, द फूड अडरेंस रूल्स, द लॉ ऑन चेकिंग द इलीगल बिजनेस ऑफ डुप्लीकेट गुड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी द राइट, द प्रोविजन लॉ ऑन एन एथिकल प्रैक्टिस रिलेटेड टू लीकर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टेड अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट। तो अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो दीज कवर जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट स्टेटमेंट ही कहता है कि दीज कवर जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल, जबकि ये है कि आपका ये प्रोफेशनल जो प्रिंसिपल होते हैं उनको बेसिकली गाइड करता है जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही नॉट करेक्ट लग रहा है, बट बाकी सारे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। देयर पर्पज इज टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑन वेरियस ट्रांजेक्शन, राइट है। दीज आर द ब्रॉडर सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट आर डिजाइन टू इन्फॉर्म स्पेसिफिक लॉज और गवर्नमेंट एक्शन, दीज ट्रांसलेट द वैल्यू इन टू स्पेसिफिक बिहेवियरल स्टैंडर्ड कीपिंग इन माइंड द पॉसिबल रिफ्लेक्शन ऑन द स्टैक होल्डर इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें सही है, जो लीस्ट मतलब जो नॉट करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन ए, दैट इज दिस कवर द जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल। जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑल दो यहाँ पर ऑप्शन डी भी हो सकता है, दिस ट्रांसलेट द वैल्यू इन टू स्पेसिफिक बिहेवियर स्टैंडर्ड कीपिंग इन माइंड द पॉसिबल रिफ्लेक्शन ऑन द स्टैक होल्डर इंटरेस्ट। तो ये भी एक तरीके से ऑप्शन ए और डी दोनों में ही कन्फ्यूजन होगी जो बेसिकली होगी, बट अकॉर्डिंग टू मी द ऑप्शन ए विल बी द राइट, जो कि आपका नहीं करेक्ट है। और यूपीएससी की कीज देखेंगे कि उसमें उन्होंने क्या आंसर किया था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लेक्चर नंबर 12 सुन सकते हैं मेरा एथिक्स एंड इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस स्टेटमेंट, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज गिवन बाई। तो ये आपका महात्मा गांधी ने बोला हुआ था। तो ये सारे स्टेटमेंट जो कि बहुत फेमस ऑथर के हैं, इस बार मैं एथिक्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करूंगी कि किस फिलोसोफर ने क्या बोला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये अपडेट करूंगी अपने प्लेलिस्ट में, तो प्लीज प्लेलिस्ट को सुनिएगा, जो वीडियो अपडेट हुई है उसको जरूर सुनिएगा कि मे बी इस बार 5-6 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो मे बी 2022 में एक क्वेश्चन आ जाए फिलोसोफर या उससे रिलेटेड थ्योरी का। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो कि मैं और वीडियोस बनाऊं। रियली आपके कमेंट्स, आपका एक थैंक यू कमेंट भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए वीडियोस पर डे लाऊं, करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर करूं। और अगर आपको इन वीडियो से 1% का भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।